वीडियोस में हमने नहीं पढ़े हैं। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा हमारे इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें, जैसे कि ये वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, डोंट डाउट ऑन मी, मुझ पर शक मत करो। डोंट डाउट ऑन मी, मुझ पर शक मत करो। नेक्स्ट है, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, निराश मत हो। हम किसी से कहते हैं ना, कभी कोई परेशान हो और हम उसको सहानुभूति सिंपथी दे रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, मतलब परेशान मत हो या निराश मत हो। नेक्स्ट है, दैट्स अ बेटर देन एवर, वे सबसे अच्छा है। दैट्स अ बेटर देन एवर, वे सबसे अच्छा है। नेक्स्ट, यू शुड नॉट डू दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कब बोल देंगे, जब हम किसी बच्चों को समझा रहे हो या किसी भी व्यक्ति को समझा रहे हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। सो यू शुड नॉट डू दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, डोंट इंटरप्ट द वर्क, काम में रुकावट मत डालो। डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट न्यू वर्ड्स आया है रुकावट के लिए, वैसे डिस्टर्ब भी बोलते हैं हम, डिस्टर्बेंस मतलब व्यवधान उत्पन्न ना करें। डोंट इंटरप्ट द वर्क, काम में रुकावट मत डालो। नेक्स्ट है, गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और हम अगर ये बोलना चाहें कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, इस तरह से हम ये सेंटेंस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु आर यू डिसअपॉइंटेड, तुम निराश क्यों हो। हु आर यू डिसअपॉइंटेड, ये हमने ऊपर पढ़ा, इसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है। हु आर यू डिसअपॉइंटेड, तुम निराश क्यों हो। नेक्स्ट है, डोंट पैनिक, घबराओ मत। पैनिक का मतलब होता है घबराना, और डोंट मतलब मत घबराओ, ठीक है ना, मतलब किसी चीज को मना करने के लिए। डोंट पैनिक, घबराओ मत। नेक्स्ट, She is waiting for me, वे मेरा इंतजार कर रही है। She is waiting for me, वे मेरा इंतजार कर रही है। अब ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। She is waiting for me, ये गर्ल्स के लिए आया है। अब यहाँ पर अगर ही होता, He is waiting for me, सो वे मेरा इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट है, Who the hell are you, तुम होते कौन हो। हम कभी बोलते ना गुस्से में, या किसी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, कोई बहुत ज्यादा हमें इरिटेट कर रहा है, तो हम बोल देंगे, Who the hell are you, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले। नेक्स्ट, अब डोंट अंडरस्टिमेट मी, डोंट अंडरस्टिमेट मी, मुझे कम मत समझो। हम कहते ना कि कभी उसको कम नहीं समझना है हमें, मतलब कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो कभी हम अपने लिए भी बोल सकते हैं कि मुझे कम मत समझना, डोंट Underestimate me, मुझे कम मत समझो। नेक्स्ट है, लेट इट ड्राई, इसे सूखने दो। लेट इट ड्राई, इसे सूखने दो। नेक्स्ट है, टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करो। टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करो। नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, योर थिंकिंग इज ग्रेट, आपकी सोच बहुत बढ़िया है, मतलब आपकी सोच बहुत अच्छी है। कभी कभी किसी की सोच से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं कि व्यक्ति इतना अच्छा सोचता है। सो योर थिंकिंग इज ग्रेट, हम ऐसा बोल सकते हैं उसको अप्रिसिएट करने के लिए कि योर थिंकिंग इज ग्रेट, आपकी सोच बहुत बढ़िया है। सो आई होप सो डू यू अंडरस्टैंड दिस ऑल 50 सेंटेंसेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आई होप सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, एंड आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, and press the bell icon, subscribe to my channel so that you will get all notifications our latest uploads. Thanks for watching my video, and see you again with the next video. Thank you so much once again.